दर्शक यहाँ सबला स्वागत है हिमाल वर्ल्ड में यहाँसंग अंकित रहा हमी उपस्थित छो जलपाइगुड़ी जिला अंतर्गत जलपाइगुड़ी म्युनिसिपालिटी को वार्ड नंबर 3 सेनपाड़ा एरिया में जहाँ हिजो 31 मार्च को दिन भयावह आदि तूफान ले जगह क्षतिग्रस्त होना पुग्यो रथ में इस सेनपाड़ा एरिया में करीब 3:30 तीर जस्तों प्रकार को आदि तूफान आयो त्यसले गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति को मृत्यु भी भएको छ जिसको नाम दिगेन्द्र नारायण सरकार भनिन्दैछ र उमेर लगभग 60 वर्ष बताइँदैछ। दर्शकवृन्द जो यहाँ आई विटनेस हुनुहुन्थ्यो जसले यस घटना बारे देख्नुभयो है के कस्तो भएको थियो कस्तो प्रकारको आदि तूफान यहाँ आएको थियो र कस्तो प्रकारले यहाँ उक्त व्यक्ति को मृत्यु भएको थियो र उहाँको घरमा के कस्तो चलिरहेको छ सम्पूर्ण हामी यहाँलाई देखाउने छौं र साथैमा यहाँको जो आई विटनेसेसहरू हुनुहुन्छ यहाँ कसले हिजोको आदि तूफानमा के कस्तो क्षतिहरू पुगेको छ उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रशासनले के कस्तो यहाँ पहल गरेको छ हिजो स्वयं सीएम ममता ब्यानर्जी नै राति भापनि उहाँले आफ्नो सबै शेड्युलहरू क्यान्सल गरेर राति नै उहाँ कलकत्ताबाट जलपाइगुडी आइपुग्नु भएको थियो र आज त गभर्नर पनि यहाँनिर आइरहनु भएको छ र उहाँले के कस्तो भन्नुभयो उहाँ जति पनि क्षति पुगेको जति पनि यहाँनिर व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँहरूसँग बात गरेर सिएमले गभर्नरले के भन्नुभयो र साथैमा यस जो आई विटनेसेसहरू हुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ आउनुहोस् हामी सुन बताइए एक आदमी बोल रहे थे मर गया है हम देखे दुकान टूट गया है सब तो अभी तो पूरा मतलब आपका दुकान जिस तरीके से देख रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ। तो कल सीएम भी आए थे यहाँ पे तो कुछ क्या सरकार से कुछ आश्वासन देने का कुछ हम लोग को दुकान नहीं दिखा है नहीं दिखा है ना वहाँ पर देख के चला गया है ऐसे नहीं दिखाए तो इस तरफ नहीं आए कैसे नहीं उन्हें हम थे वहाँ पर देख के उधर से चले गए तो कोई बताया नहीं जी वहाँ पर दुकान टूटा हुआ है कोई नहीं बताया है तो अभी क्या चाहते हैं इतना नुकसान हो गया आपका नुकसान हो गया क्या सर्वे नहीं हुआ है तो अब सरकार से कोई मदद मिलेगा कि नहीं ये मालूम नहीं मदद मिलने का आशा तो है दुकान तो एकदम टूट गया है ये तो नूतन करके अब बनाना पड़ेगा दुकान से जीविका चलाते थे आप लोग हाँ ये दुकान तो हम लोग करते हैं एक दुकान और फर्नीचर का दुकान अब स्टार्ट करना है कुछ दिन पहले बस खत्म हो गया किसका दुकान था ये हम लोग का दुकान क्या 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 रखते थे यहाँ पे तो फर्नीचर का सामान होता है और ये चाय पूरी टूरी ये सब काल पर पेड़ गिरा वो आचमका गिरा वो गिरे के लोग भाग गया उस तब आप देखे थे हाँ देखा हाँ कहाँ पे गिरा पे ये पेड़ आस्था पे पेड़ है ना पेड़ गिरा उधर भाग गया उसका पेड़ गिरा से वो टूट गया तो তখন ইধার লোক দেখতে হয় ঝড় আতা হয় বহুত হ্যাঁ ওইখানে ওদিকে আসতিল সাইকেলে এসে এখানে দেখতেছে ঝড় ঝড়ে এখানে দাঁড়াইছিল দাঁড়ার পরে দেখতেছে আর এখানে থাকা যাবে না ওদিকে ঘরের দিকে গেছে বাস তখন এই আর কি তারপরে তো আর গাছের মধ্যে যে আসলো প্রশাসন আসলো এসে এসে ক্র্যাং ট্যাং এসে গাছ সরায় তারপরে বডি নিয়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর বডি নিয়ে চলে গেল বাড়ির লোককে তখন খবর নিল প্রশাসনিক খবর নিল কোথা থেকে আসছে কি ব্যাপার কি এখানে আসে নাই কত বয়স ছিলেন মোটামুটি 50 তো হবেই আপনাদের এইদিকে কোথাও কোনো মানে এরকম ক্ষতি টতি কোন দিকে হয়েছে ক্ষতি তো এইদিকে সব এখান থেকে ধরে এদিকে সব ক্ষতি হয়েছে বাড়ি প্রায় কটা এখন গন্তি করতে হবে অনেক ক্ষতি হয়েছে প্রত্যেক বাড়িতে কম বেশি ক্ষতি হয়েছে এমন ঝড় আগে দেখছিলেন জলপাইগুড়ি শহরে এইখানে না দেখিনি সে তো অবশ্যই এখন বাড়িঘর ঠিকঠাক করতে গেলে তো এখন আতঙ্ক থাকতেই হবে এখন এইরকম ঝড় তো কেউ দেখে নাই না যেমন আগে ঘূর্ণিঝড় হতো মানুষ দেখতো এখন তো এইরকম ঘূর্ণিঝড়ে তো কেউ বুঝতে পারে নাই না হঠাৎ আচমকা এসে গেছে मेरा नाम दिलीप सेन सेनपाड़ा क्या हुआ था कल किस तरीके का परिस्थिति कल 3 बजे 3:30 बजे इधर बांध पर हम सुना है बहुत झड़ हुआ है अरे
अरे उधर घूमने गया तो पहले वो आदमी जो आदमी वहाँ गिर गया है, कोई आदमी उधर कोई अरे अरे पहचान नहीं किया है कहाँ का आदमी है, तो हम तो जानते हैं अरे वो आदमी तो हम अरे घर का समान है, तो हम देख पहले देखने को पहले उसका वो भागीना के बोला देख भागीना तेरे मामा वहाँ पर मर गया, मैं कैसे करके मेरे आज घास गिरा है बस यही से बोल रहा तो मतलब किस तरीके से गिरा था उनके ऊपर है किस तरीके से गिरा था पेट पर गिरा है हाँ पेट के पूरा पेट कितना बड़ा था गांच चार फुट गलाई चार फुट पहले से मतलब गिरने वाला था या फिर कल के वजह से गिरा है कोई हाँ मतलब आगे जब बारिश वगैरह होता था हाँ भी क्या मतलब ऐसा कुछ होता था अरे अगर कभी नहीं हुआ कल हम देखा पहले अरे इससे बड़े हुआ उनका घर में कितना जन रहता है तीन आदमी हाँ हाँ घर में तीन कौन रहता है वो? उसका दीदी है और एक तो लड़का है उसका और वो रहते हैं हाँ और कोई नहीं है घर में और इधर कहीं घर वर कहीं कहाँ टूटा है हाँ टूटा है तो कितना कितना टोटल टूटा है यहाँ पे घर वगैरह इंडिया का बहुत बेल 50-60 हाँ 50-60 को घर टूटा है कोई आदमी को घास तो रहा है कोई आर्टिनियन लेके चला गया कल मुख्यमंत्री आए थे यहाँ हाँ कल देखा है तो मुख्यमंत्री क्या बोल के गई है बोले ठीक है जो हुआ ठीक हम खरीदेंगे पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निसके साथ हो पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड र धेरे पुरस्कार हरू टिकट को दाम मात्र 500 रुपया ड्रॉ हुन्छा 20 अप्रैल पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024 Hello everyone, I'm Ankita Thapa and I'm from MIRIC. I'm a student of ASA Paramedical and Nursing Institute, MIR Department Lab Technologist. And I'm from ASA Paramedical or college by ASA Paramedical. I choose to comparing to other colleges, I have the facilities or I have a lot सबै कुरा राम्रो लाग्यो त्यही कारण अब अबाउट स्टडिज होइन सबै कुरा अबाउट प्र्याक्टिकल क्लासेस स्टडिज सबैमा फेसिलिटिजहरू राम्रो लाग्यो त्यही कारण मैले आशा प्यारामेडिकल चुज गरेको तपाईँहरूले पनि इफ प्यारामेडिकल स्टडिज गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर हेर्नुहोस् सालबारीमा हेलो मेरो नाम चाहिँ मनिषा मगर हो र म चाहिँ सिक्किमबाट बिलङ गर्छु र म चाहिँ अहिले यहाँ आशा प्यारामेडिकल नर्सिङ इन्स्टिट्युटमा छु है र म चाहिँ ओटी टेक्निसियनपट्टि छु र हाम्रो कलेजको एड्रेस चाहिँ सालबारी बजारमै छ र नियर भानु पार्क चोकमा छ है र हजुरहरू सबैलाई पनि जतिलाई पनि मेडिकल फिल्डमा तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने है तपाईँहरू यहाँनिर आशा प्यारामेडिकलमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ